Annu Baby and Chetan are partners in the firm, sharing profits and losses equally. They take Deep, पहले तीन थे, Deep और आ गया, Deep into partnership on 1st April 2022 for 1/5 share in the future profits. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of 100% of average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. 100% of average profit मतलब number of years purchased is 1. 100% मतलब जो average आई वही खुद. तो 100% इसका मतलब नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड कितने हैं? 1. बट पॉइंट यहां पे क्या था? ऑफ द प्रीवियस 3 years और 4 years व्हिच एवर इज हायर. तो पहले आप 3 साल की एवरेज निकाल लो, फिर आप 4 साल की एवरेज निकाल लो, दोनों में से जो ज्यादा है वो गुडविल है. तो देखो कितना मुश्किल कर दिया उन्होंने क्वेश्चन आपके लिए. क्या मुश्किल? दो बार कैलकुलेट करना है. तो पहले 3 साल का, फिर 4 साल का. प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग, तो प्रिसीडिंग कौन से हुए? ये हो गए प्रिसीडिंग 3, ये हो गए प्रिसीडिंग 4. तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं. आप उसके लिए फॉर्मूला लिखना है, मैं लिखेंगे रहा. 4 साल का जब है तो 288 प्लस 181 800 प्लस 187 200 प्लस 253 200, 9 लाख. 4 साल का जब निकाला तो 4 साल का क्या है? 9,10,200 डिवाइडेड बाय 4, तो 227,550. क्या आया? 227,550. और जब 3 साल का निकाला, 288 प्लस 181 800 प्लस 187 200, 6,57,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,19,000. तो बेटा दोनों में से 4 इयर्स की एवरेज ज्यादा है या 3 इयर्स की? 4 इयर्स की. तो गुडविल इज इक्वल टू 227,550. सर इन्हें शर्म नहीं आ रही 12th में हमसे ऐसे बातें कर रहे हैं? मार्क्स मिलेंगे इसके आपको, खुशी की बात है. कुछ भी नहीं करना. अरेंज क्या करना? आपके सामने इयर्स हैं, आपको कोई अरेंजमेंट कुछ नहीं करना. आप पहले निकालेंगे एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, तो 22 21 20. एवरेज ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, तो चारों की एवरेज निकाल देंगे. ठीक है ना? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, TS ग्रेवर.